जैसा कि आप सभी को पता है कि फार्मेसी यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की डेट शीट आ चुकी है और जब से डेट शीट आई है सभी स्टूडेंट डरे हुए हैं। डरना भी ज़रूरी है। देखिए, जो अच्छा लिखते पढ़ते हैं वो डरते हैं कि हम कैसे टॉप करेंगे, कैसे हम डिवीजन बनाएंगे। जो एवरेज स्टूडेंट है वो सोचते हैं हम कैसे पास होंगे। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं वो सोचते हैं कहीं हम फेल ना हो जाएं। तो डर सभी के मन में होता है और ये होना ज़रूरी भी है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज़ कन्फर्म कर दूँ, जो डेट शीट आई है ये चेंज होगी, ये डेट अभी बढ़ेगी, ये अभी प्रपोजल डेट है। तो ऐसा नहीं है कि जो एक तारीख या दो तारीख आपको बताई गई है उसी को एग्ज़ाम होंगे। अभी एग्ज़ाम नहीं होंगे, डेट शीट ज़रूर चेंज होगी, डेट आगे जाएगी। तो ये आपके लिए थोड़ी सी संतोषजनक बात होनी चाहिए। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनसे एक निवेदन है, उनसे गुजारिश और एक सलाह है कि वो एक गलती ना करें। गलती ये है कि आप जा करके सेटिंग करेंगे, सेटिंग किसी लड़की से नहीं, कॉलेज में जाकर टीचर से या फिर किसी डायरेक्टर से, या फिर हो सकता है किसी रिश्तेदार का कोई जानकार हो आपका एग्ज़ाम बोर्ड में जहाँ से एग्ज़ाम होते हैं, कोई भाई का जानकार हो, कोई दोस्त का जानकार हो, किसी भी तरह से कोई जानकार मिल गया हो और उसने गारंटी ले ली होगी कि आपको पास करा देंगे पैसे लेकर। अब कुछ बच्चे सोचते कि हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं है, आप हमारे पूरे सब्जेक्ट में पास करा दीजिए, हमें जितने चाहे पैसे ले लीजिए। कुछ कहते हैं कि जी हमें एक सब्जेक्ट में पास होना है, बाकी में हम हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट मुश्किल है, जैसा कि आपका फार्मास्यूटिक केमिस्ट्री का बहुत मुश्किल और टफ एक पेपर है, तो सोचते हैं कि उसमें पास हो जाएं। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी गलती ना करें, किसी को पैसे ना दें। अब इसमें दो तरह के कॉलेज होते हैं, एक होते हैं जो सीधे सीधे मना कर देते हैं कि आप पास नहीं हो पाएंगे, कोई सेटिंग नहीं हो पाएगी, आपको अपना आप ही मेहनत करके पास होना पड़ेगा। दूसरा कॉलेज होता है कि जो कहता है कि जी हम पास करा देंगे आपको, चिंता मत कीजिए, सेटिंग हो जाएगी, ऊपर तक हमारी जानकारी है, आप पेपर दीजिए और पैसे दे दीजिए, पेपर के बाद हम देख लेंगे, अगर आप फेल होते हैं तो पास करा देंगे और सेटिंग हम कर लेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन मैं आपको यहाँ सावधान करना चाहता हूँ, मेरे कुछ मित्र भी ऐसे रहे जब मैं कॉलेज टाइम में था और अब भी मैं जानकार हैं कुछ ऐसे जिन्हें मैं जानता हूँ कि वो पैसे देकर भी फेल हो गए। कारण क्या है? देखिए, आप जब पैसे देते हैं तो वो आपसे कहते हैं आपको कॉपी लिख कर आनी है, कॉपी खाली नहीं छोड़नी है। मेरे भाई, जब आप कॉपी लिख कर आएंगे, चाहे उसमें कुछ भी लिख के आए उल्टा सीधा, तो किस्मत ऐसी भी हो सकती है कि एग्जामिनर उसे बिना पढ़े आपको पास भी कर दे। और ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि वो सभी की कॉपी जांचता है तो बिल्कुल गौर से नहीं देखता है, तो वो ऐसे में आपको पास भी कर देता है। लेकिन क्रेडिट किस जाता है कि आपने पैसे दिए थे कॉलेज वालों को और वो पास करा देते हैं आपको? नहीं, वो एक तुक्का था। और ये क्या करते हैं कि आप पास हो गए तो कहते हैं देखिए हमने पास करा दिया पैसे लेकर। अगर आप फेल हो गए तो क्या कहते हैं? भाई हमने तो पैसे पहुँचा दिए थे ऊपर, ना तो हम पैसे वापस करेंगे अब, और आप फेल भी हो गए हैं, पैसे भी वापस नहीं होंगे आपके, क्योंकि कहते हैं कि जी हमने तो एग्ज़ाम बोर्ड में पैसे दे दिए हैं और देखिए रिजल्ट पे आपका निगेटिव ही आ रहा है। तो भाई ऐसी गलती ना करें। मेरे बहुत सारे ऐसे जानकार हैं और इस वीडियो को बनाने का ध्येय भी यही था, इस वीडियो को बनाने का विचार भी यही था कि मैं आपको इस चीज़ को बता सकूं, किसी भी सेटिंग के चक्कर में मत रहना, फेल हो जाओगे। अगर कॉपी लिखनी ही है, बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो चाहे कॉपी में कुछ भी लिख करके आ जाओ, लेकिन पैसे मत देना, पास नहीं होगे। ये मेरा आपसे निवेदन भी है, आपको सलाह। चाहे कुछ भी करें, देखिए अभी बहुत समय है आपके पास, आप कुछ भी पढ़ें, कुछ भी लिखें, कुछ भी बना करके लिखें, आप अपनी मेहनत से ही अपना एग्ज़ाम दें और उसमें पास होकर के दिखाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं, ऑल द बेस्ट बोलता हूं कि आपके पेपर अच्छे जाएं, आपके एग्ज़ाम अच्छे जाएं, और इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी का रिजल्ट 100% रहेगा, सभी बच्चे पास होंगे, ये ईश्वर से मनोकामना करता हूं। अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you.